दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने एक YouTube पर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मोबाइल के होम स्क्रीन पर वीडियोस कैसे सेव करेंगे। उसमें देखिए लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों का प्यार आ गया, मतलब व्यूज आ गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मोबाइल के होम स्क्रीन पर किसी का भी वीडियोस को और उसी के साथ लॉक स्क्रीन पर भी कैसे वीडियो लगाता है वही दिखाऊंगा। तो दोनों इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को देखते रहना। तो सभी को पता है कि मोबाइल के होम स्क्रीन के लॉक स्क्रीन पे दोनों पे भी किसी का भी फोटोज या वॉलपेपर हम आसानी से सेव कर सकते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि उसमें हम दोनों पे लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पे वीडियोस कैसे सेव करेंगे? तो देखिए सोचने की बात है, तो चलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज का इस वीडियो में मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, मतलब सिखाऊंगा। आप आसानी से किसी का भी वीडियोस हो या डाउनलोड किया वीडियो, टिकटॉक का वीडियो, एमएक्स प्लेयर का वीडियो हो या तो फिर अपने रिकॉर्ड किया वीडियो हो, आसानी से होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पे सेव कर सकते हो। तो कैसे करते हैं वही दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली हम आ गए मोबाइल के होम स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी लगा के रख लिया। आपको दिखाने के लिए मैंने एक वीडियो को सेव करके दे दिया। तो आप चाहो तो अपना वीडियो या किसी का भी वीडियोस को यहाँ पे वॉलपेपर सेव कर सकते हो। और ये मैंने होम स्क्रीन पे लगाया तो आप लॉक स्क्रीन पे भी लगा सकते हो। तो चलिए कैसे क्या करना होगा सारे स्टेप आपको यह मैं सिंपल मेथड में दिखाऊंगा, बस 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पे वीडियो लगाता है। सो फ्रेंड्स फाइनली आपको आना होगा प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो लाइव वॉलपेपर मेकर इस वाला एप्लीकेशन को आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना होगा और इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद ओपन करना है। तो फिलहाल मैं देखिए यहाँ पे इंस्टॉल करके रख लिया प्ले स्टोर पर आके, तो फिलहाल ओपन करूँगा और जो भी स्टेप है आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो ध्यान से देखना। और वीडियो के साथ आप ऑडियो भी लगा सकते हो, तो आपके होम स्क्रीन पे मोबाइल के होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पे वीडियो तो चलेगा ही, अगर आप चाहो तो उस पर साउंड भी ऐड कर सकते हो, साउंड भी दे सकते हो। तो चलिए ओपन करने के बाद जो भी स्टेप है तो आपको दिखाने की कोशिश कर लेते हैं। तो ओपन पे मैंने क्लिक कर दिया, तो इसका लिंक मिलेगा सीधा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर से इंस्टॉल कर लेना है। तो जब भी हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद ऐसे कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर देखिए क्लोज का बटन है, सिंपली हम क्लोज़ कर देंगे यहाँ पे। सो क्लोज पे करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, फिर से क्लोज कर देंगे और यहाँ पे कैमरा वीडियोस जितने भी है दिख जाएगा आपको। तो आपको क्या करना क्या होगा, मतलब जिस टाइप का वीडियो आप लगाना चाहते हो तो आपको मेमोरी पे जितने भी वीडियोस है शो हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना होगा ऊपर, उसके बाद आपको लोकल वीडियोस पे क्लिक करना होगा। तो लोकल वीडियोस पे क्लिक करने की बात यहाँ पे जितने भी आपने डाउनलोड किया वीडियो हो या कुछ भी वीडियो हो आपके मतलब मेमोरी या गैलरी पे है सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा। तो कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे अपना जितने भी वीडियोस है आ गया, तो मैं जिस वीडियो को चाहूँ तो यहाँ पे लगा सकता हूँ, मतलब होम स्क्रीन पे या लॉक स्क्रीन पे लगा सकता हूँ। तो कोई भी वीडियो एक लेके आपको दिखा देते हैं, तो आप अपने हिसाब से आपका जो वीडियो है जो भी वीडियो लगाना चाहते हो उस वीडियो को ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, बस आप अपने वीडियो या डाउनलोड किया वीडियो हो कुछ भी वीडियो हो आप लगा सकते हो होम स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैंने एक वीडियो सिलेक्ट कर लिया, तो हमने वीडियो पे क्लिक कर दिया। तो आपको भी सेम प्रोसेस करना होगा, देखिए मैं जो भी स्टेप आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ उस सेम स्टेप आपको भी करना होगा। हम मिडिल क्लास वालों की भी क्या जिंदगी होती है, ना शौक पूरे होते हैं और ना जिम्मेदारी। मिडिल क्लास वालों की भी क्या जिंदगी होती है, ना शौक पूरे होते हम मिडिल क्लास वालों की। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक वीडियो ले लिया, तो वीडियो लेने की बात यहाँ पे एक एडवर्ट्स आ गया, तो इस एड्स को आपको क्लोज कर देना है, मतलब काट देना है। काटने के बाद वीडियो यहाँ पे डायरेक्टली ये आ जाएगा, तो आप चाहो तो इसका जो ऑडियो है उसको दे सकते हो। सो देखिए शौक पूरे होते हैं और ना जिम्मेदारियां। सो इसका जो साउंड है, मतलब अगर आपको ऑडियो चाहिए तो इस वाला ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है, अगर साउंड नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर देना है। फिलहाल मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ और आपको सेव करके दिखा देता हूँ। तो हालांकि ये एक डाउनलोड किया वीडियो है, आप अपने वीडियोज़ किसी का वीडियोज़ हो आसानी से सेव कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या होगा, देखिए फिलहाल मुझे साउंड नहीं चाहिए, मैंने ऑफ कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सेट एज लॉन्चर वॉलपेपर, तो इस रेड वाला बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करते देखिए क्या होता है। सो मैंने रेड वाला बटन पे क्लिक कर दिया, तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आ गया सेट एस
ब्लू वाला ब्लू बटन पे क्लिक करना है। तो ब्लू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, होम स्क्रीन और यहाँ पे सेकंड पे देखिए होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। तो जब भी आप सेकंड पे दे दोगे तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों पे भी वीडियो लग जाएगा। अगर चाहो तो सिंपल होम स्क्रीन पे लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं कोई भी एक पे लगा के दिखा देता हूँ, तो आप चाहो तो होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन आसानी से लगा सकते हो। तो मैं होम स्क्रीन पे लगा देता हूँ, तो लॉक स्क्रीन में लगाऊंगा तो यहाँ पे नहीं होगा मेरा, मतलब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो आप लॉक स्क्रीन में भी लगा सकते हो। तो फिलहाल देखिए सक्सेसफुली हो गया, तो ओके कर देंगे। सो ओके करने के बाद हमारा हो गया, तो नो थैंक्स आपको नहीं चाहिए, तो क्लोज कर देंगे इस पर। सो हमने काट दिया, देखिए यहाँ पे मेरा जो होम स्क्रीन है मोबाइल के, तो यहाँ पे वीडियो आ गया। तो इसका जो साउंड है फिलहाल मैंने ऑफ कर दिया, तो आप चाहो तो इसका साउंड भी ऑन कर सकते हो। तो ऐसे करके आप अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे और लॉक स्क्रीन पे आसानी से किसी का भी वीडियोज़ को सेव कर सकते हो। तो गाइज वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अच्छे लगने पर लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।